केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर में वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेशन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों में डायबिटीज को लेकर जागरूकता फैलाना है और डायबिटीज से पीड़ित लोगों को डायबिटीज से होने वाली जोखिम से बचाना है। इसको लेकर ग्लोबल हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने दरभंगा के अलग अलग इलाके में डायबिटीज जागरूकता रैली निकाली और हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पीएन मिश्रा, अजय कनोडिया, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह डीएमसीएस भी मौजूद थे। उनके अलावा दरभंगा के बहुत सारे जाने माने एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने डायबिटीज को अपने अपने तरीके से डायबिटीज को परिभाषित किए और डायबिटीज को कंट्रोल में कैसे रखा जाए उस विषय पर चर्चा किए। डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि डायबिटीज उतनी गंभीर बीमारी नहीं जितनी लोग उन्हें बना लेते हैं, और अगर डायबिटीज को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो एक डायबिटिक मरीज भी नॉर्मल लाइफ जीता है बिना किसी जोखिम के, लेकिन उसके लिए टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। HbA1c लेवल को मेंटेन रखना जरूरी है। इसके अलावा डायबिटीज के टाइप के बारे में चर्चा किया गया, जिसमें ज्यादातर टाइप ए के मरीज को फोकस किया गया। इंसुलिन के बारे में भी चर्चा किया गया। डायबिटीज से बचने के लिए सही खानपान और लाइफस्टाइल सही रखने की सलाह दी गई। साथ ही लगभग 200 लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप भी किया गया और निशुल्क डॉक्टर परामर्श, साथ ही साथ निशुल्क डाइटिशियन परामर्श भी किया गया। वर्ल्ड डायबिटीज डे में हम लोग रोटरी क्लब दरभंगा के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें एक डायबिटीज अवेयरनेस इवेंट हम लोग मना रहे थे। इसमें बताया जा रहा था कि डायबिटीज से लोग किस तरह बच सकते हैं और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है हम लोगों ने बताया कि किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और भी लोग अपना इसमें वक्तव्य रखें। तो इस साल का जो डायबिटीज का थीम है एक्सेस टू ऑल, तो उसमें हर एक वर्ग के हर एक कैटेगरी के लोगों को जो है डायबिटीज का सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके, काउंसलिंग हो सके, और उसमें जो है ये हम लोग इस बार कर रहे हैं कि हर एक कैटेगरी के ग्रुप को लेकर के चल रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग हर एक महीने जो है कैंप लेकर रखेंगे, जिसमें डायबिटीज कैंप किया जाएगा और निशुल्क सुविधा दी जाएगी, जिसमें ब्लड शुगर फास्टिंग की भी, लीवर किडनी वगैरह की जाँच की जाएगी। तो जो भी लोग अगर इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो वो मंथ में किसी भी एक डेट पे होगा, वो अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं और क्लिनिक के नंबर पर फोन करके पता कर सकते हैं कि कब होगा ये कैंप और उसके अंत में आ सकते हैं। ये दूसरा साल स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे ग्लोबल हॉस्पिटल का ये दूसरा साल बहुत सफर? हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे डायबिटीज के मरीज जो बाहर जाते थे इलाज कराने के लिए वो अब यहाँ पर आते हैं और उनको संतुष्टि भी मिलती है। और अभी हमारा जो है ये डायबिटीज सेंटर बिहार में बेस्ट सेंटर अभी हो गया है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेस्ट सेंटर अभी आपको बिहार में हो गया। सर बच्चों में भी डायबिटीज आने लगी, इसके लिए सर क्या कहेंगे? चिल्ड्रेंस डे भी टाइप 1 डायबिटीज जो है अभी बहुत देख रहे हैं कि बहुत कम है, 20 साल से नीचे के वाले बच्चों में बहुत सारे बच्चे हैं। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इस पर हम लोग यहाँ डायबिटीज के लिए अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं। डायबिटीज हम लोग जानते हैं डायबिटीज बहुत साइलेंट किलर है और इसका आर्मी डिटेक्शन और उसका प्रिवेंशन एक मात्र उपाय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं हम लोग, और अर्ली डिटेक्शन से अर्ली कॉम्प्लिकेशन कम होगा, कॉम्प्लिकेशन ये हम लोग आज का। डायबिटीज का लक्षण क्या है? डायबिटीज का क्या कुछ लक्षण है जो इससे पता चलता है? सिर्फ शुरू में कोई लक्षण नहीं होता है, ये लक्षण बहुत ज़्यादा अगर ऑर्डिनेट इफेक्ट आया उसके बाद ही होता है, ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तब चक्कर ऊपर आता है, लेकिन लक्षण को बाद में मिलता है जब तक मेडिकेशन शुरू होता है। डॉक्टर पी एम मिश्रा जी, आप तो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, इतना विलम्ब से आए हैं, बताइए जो किस तरह के आज डायबिटीज डे को क्या कहना चाहेंगे? आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसका ये मनाया जाता है, इस साल का थीम है डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोका जाए। क्योंकि सब लोगों ने बताया कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, इसकी लक्षण जो पहले कहे जाते थे ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पेशाब होना, ज़्यादा नींद आना, ये सब लक्षण अब सब मरीजों में नहीं मिलते हैं और ये हम बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जागरूकता बढ़ा के ही इसको कम किया जा सकता है। और इसको कम करने के लिए अवेयरनेस ही एक तरीका है, जिसमें डॉक्टर, मीडिया कर्मी और जितने भी लोग हैं वो लोग सब सहयोग करेंगे, लोग शिक्षित होंगे और इसको कम किया जा सकता है।
ये अब हमारा लाइफस्टाइल डिजीज हो गया है। वजन नियंत्रित रखना, एक्सरसाइज करना, राइट खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, ये लोगों में जागरूकता ला के ही इसको कम किया जा सकता है। और इसके कम करने के लिए आज डायबिटीज अवेयरनेस रैली निकाली गई और उसी पर ये कार्यक्रम। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।